डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए उनकी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण उसका दूसरा खंड कविताएं और व्याकरण की पहली इकाई और वैसे इस पाठ्यक्रम की आठवीं इकाई है, जीवन की ही जय है, मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता, उस पर आज का व्याख्यान केंद्रित है। इकाई का लेखन डॉक्टर दक्षा जोशी जी ने किया है और वीडियो लेक्चर यानी दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा। इस इकाई का उद्देश्य या इस व्याख्यान का उद्देश्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है। जीवन की ही जय है इस कविता का पाठ करेंगे हम और उसका अर्थ जानेंगे, साथ ही इसकी व्याख्या और विश्लेषण भी समझेंगे। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित। उनकी रचना भारत भारती के ऊपर, भारत भारती को पढ़ करके उसकी लोकप्रियता को देखते हुए और उसमें जो राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई है उसको देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था, यानी भारतेंदु के जाने के लगभग तुरंत बाद वो उनका जन्म हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। 78 साल का जीवन उन्होंने जिया और उसमें इस 78 साल के जीवन में लगभग 40 से 50 वर्ष तक वो लगातार रचना कर्म में लगे रहे, वो लगातार लिखते रहे। उनका जन्म स्थान चिरगांव है, एक चिरगांव एक नगर है झांसी जिले में जो कि उत्तर प्रदेश में है, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी एक राज्य है, झांसी की रानी के नाम से आप उसको ज़्यादा जानते होंगे, उसका एक नगर है छोटा सा चिरगांव, वहाँ से मैथिली शरण गुप्त आते हैं। खास महत्व मैथिली शरण गुप्त का इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा को, आधुनिक हिंदी भाषा को जो कि खड़ी बोली पर आधारित हिंदी भाषा थी, उसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पहले तक, भारतेंदु के समय तक भी, हालांकि भारतेंदु ने बहुत प्रयत्न किया कि वो जिस प्रकार से गद्य लिख रहे थे हिंदी खड़ी बोली में या आधुनिक हिंदी भाषा में, उसी तरह से पद्य भी लिखे, लेकिन उनको सफलता उतनी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने भी कहा था कि गद्य के लिए तो ये भाषा ठीक है लेकिन कविता के लिए ब्रज जैसी मधुरता इसमें नहीं आ पाती है। तो भारतेंदु की भी जो कविताएं हैं वो अधिकतर ब्रज में हैं, ब्रज भाषा में हैं या ब्रज का पुट लिए हुए हिंदी में हैं। फिर जब उन्होंने खड़ी बोली लिखने का प्रयत्न किया तो उन्होंने वो उर्दू की तरफ ज़्यादा चले गए और उस परंपरा में उन्होंने लिखा है जो कि आधुनिक हिंदी या खड़ी बोली हिंदी में कहा जा सकता है। लेकिन उनको आज जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारी जानी हुई आधुनिक हिंदी है उससे वो कुछ उर्दू की तरफ झुकी हुई सी हिंदी लगती है। इसके बाद भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की शुरुआत होती है जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को गढ़ने का काम करते हैं और उन्होंने ही मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा दी कि वो काव्य की भाषा के रूप में भी हिंदी, आधुनिक हिंदी का या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करें। और मैथिली शरण गुप्त ने इसको मिशन की तरह से लिया, या कहो कि गुरु की आज्ञा की तरह से लिया और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को या आधुनिक हिंदी भाषा को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके बाद तो हिंदी कविता कितने लंबे रास्ते से चलते हुए आज एकदम चरम शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन उस समय जब ब्रज छूट नहीं रही थी हिंदी कविता से, तब मैथिली शरण गुप्त का ये काम बहुत बड़ा था कि उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। उनकी
विपुल रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के को हम थोड़ा सा देख लेंगे। दो महत्वपूर्ण महाकाव्य उनके हैं, साकेत और यशोधरा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है। उनकी उनको किस प्रकार से क्या उनको लगा और उनकी क्या व्यथा हो सकती थी जब बुद्ध उनको छोड़ करके गए, ये इस पर पूरा काव्य है। साकेत जो है वो राम के चरित्र पर मुख्य रूप से आधारित है। 25 से ज़्यादा खंडकाव्य उन्होंने लिखे हैं, उनमें से कुछ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, द्वापर, किसान, लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे खंडकाव्य उनके हैं, जिसमें कि काबा और करबला, जय भारत, और भी लंबी एक लिस्ट है। आप अपनी पाठ्य सामग्री में भी उनको पाएंगे, तो वो 25 से अधिक खंडकाव्य उनके मिलते हैं। 12 नाटक लगभग उनके नाम पर हैं, जिनमें से दो तीन का नाम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, सैरंध्री, चंद्रहास और हिडिम्बा, ये तीनों नाटक हैं। अधिकतर उनका पौराणिक या ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। सैरंध्री और हिडिम्बा कहा जा सकता है कि पौराणिक है, महाभारत से संबंधित है उनकी कथा वस्तु। और चंद्रहास जो है वो यूं तो उसकी ऐतिहासिकता पर माने प्रमाणित बहुत नहीं है उसकी ऐतिहासिकता, लेकिन ये ऐतिहासिक कथा वस्तु पर ही आधारित है। किसी तरह की लोक जनश्रुति कहिए, लोक में प्रचलित कोई बात हो या कोई कथा चली आ रही, उस पर ये आधारित है। इसके अलावा भी और बहुत सारा, तिलोत्तमा उनका नाटक है, और भी बहुत सारे नाटक उनके मिलते हैं। पुरस्कार और सम्मान उनको जो मुख्य रूप से मिले प्रमुख, वो हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत के लिए मिला था 1935 में। फिर साकेत के लिए ही 1937 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। फिर साहित्य वाचस्पति उनको 1946 में प्राप्त हुआ, और अंत में 1954 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। उनकी काव्यगत विशेषताएं हम देख लेते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीयता की भावना है। आप जैसा कि समझ सकते हैं कि उनका प्रमुख रूप से उनका रचना काल जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय का था, तो उस वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो आग थी वो उनके में भी प्रज्वलित थी, उनके हृदय में भी। और वस्तुतः साहित्य रचना में प्रवृत्त होने से पहले ही या उसके साथ ही साथ लगभग बहुत ही कम उम्र में ही वो क्रांतिकारियों के विचारों से बहुत प्रेरित थे, और उसके बाद उन्होंने जब लिखना शुरू किया तब भी वो हमेशा ये चाहते थे कि किस तरह से वो क्रांति में अपना सहयोग कर सकें, या गौरव अपने देश के प्रति, गौरव देश के प्रति सम्मान अपने देशवासियों में वो जगा सकें। तो इससे उसकी पूरी कविता इससे अनुप्राणित है, राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित है। वो कहते हैं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो उनकी हर पंक्ति, जो कुछ भी वो लिख रहे हैं, जब वो पौराणिक कथा वस्तु को लेकर लिखते हैं या ऐतिहासिक कथा वस्तु को लिखते हैं, तब भी उनका जो लक्ष्य होता है वो अपने देशवासियों को देश के प्रति समर्पित होने और देश के लिए कुछ कर गुजरने के प्रति प्रेरित करते हैं। उनके रचनाओं का विषय गौरवमय अतीत और संस्कृति का गुणगान है। आप इसका कारण अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, और एक जो अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर शासन किया उसमें जो सबसे बड़ी बात करी उन्होंने, जो उनका हमें गुलाम बनाए रखने के लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए बहुत आवश्यकता थी कि हमारे मनोबल को वो पूरी तरह से तोड़ देते, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये काम किया। और हमारा जो कुछ भी था, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारे कला हो, वो सब को उन्होंने एक सिरे से लगभग लगभग नकार दिया। मैं
उन अंग्रेजों की बात कर रही हूँ जो कि शासन कर रहे थे, मैंने शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो लोग थे वो हर चंद ये कोशिश करते हैं। उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था जो पुरानी थी, यद्यपि उसमें कुछ उसमें समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता अवश्य थी, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो पारंपरिक पाठशालाएं थी, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने मैंने हमारे नाटकों को सरे से निकाल दिया, कहा कि ये नाटक हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी जो नाटक की जो उनकी परिभाषा थी या जो नाटक या जो जिस स्वरूप से वो परिचित थे उस स्वरूप में हमारे नाटक उनको फिट नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी कलाओं को उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। और आप जानते हैं लगभग 200 साल शासन किया, इसमें कितनी पीढ़ियां आईं। तो जो बाद की पीढ़ी, मतलब आरंभिक पीढ़ी, तो जानती थी कि ये गलत कर रहे हैं, या हमारा वस्तुतः हमारा सत्व क्या है, हमारा हमारी क्या विशेषताएं हैं, लेकिन बाद की जो पीढ़ी थी वो अंग्रेज़ों के इस प्रपंच में फंसी हुई थी और वो भी समझती थी कि भारतीय कुछ नहीं है या भारत में कुछ नहीं था और जो कुछ भी लेकर के आए वो अंग्रेज़ लाए। तो फिर जब स्वतंत्रता का आंदोलन जोर पकड़ा, जब 19वीं शताब्दी के, मैंने 1857 के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं, या खास करके 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो दौर चला, तो उसमें साहित्यकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो यही कि वो निकाल करके लाएं वो अपने अतीत से, अपने इतिहास से, और बताएं कि किस प्रकार से हम ऐसे दबे कुचले गिरे हुए लोग नहीं हैं, या हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ों ने एक तरह से साबित करने की कोशिश की थी कि हम बर्बर थे और उन्होंने हमें सभ्य बनाया। तो ये इस चीज़ को झुठलाने की, उनके इन तर्कों को खंडित करने के लिए, उनके इस चाल को गुलाम बनाए रखने की चाल को नाकाम करने के लिए साहित्यकारों ने प्राचीन संस्कृति और प्राचीन इतिहास का काफ़ी सहारा लिया, काफ़ी उसको निकाल करके लाने और जनता के सामने रखने का प्रयास किया। तो इसीलिए मैथिली शरण, आप जयशंकर प्रसाद को भी इस सिलसिले में याद कर सकते हैं कि उनके भी जितने नाटक हैं और जितना उनका मैंने छायावादी काव्यों को छोड़ दें, और खास करके नाटकों में प्रसाद जी ने प्रयत्न किया है कि वो गौरवशाली अतीत को सामने लाएं। तो इसी तरह से ये इन्होंने भी, मैथिली शरण गुप्त ने भी जयशंकर प्रसाद के पहले ही ये कार्य शुरू किया था कि उन्होंने जो हमारा जो कुछ भी अच्छा था अतीत में उसको सामने लाने का प्रयत्न किया, और हमारी संस्कृति में क्या विशेषता है, हमारी संस्कृति किस प्रकार से उत्तम है उसको बताने का प्रयत्न किया। फिर उनकी काव्यगत विशेषता में एक खास बात नारी चरित्रों को लेकर के है। उन्होंने नारी चरित्रों पर बहुत सारे काव्य भी लिखे, नाटक भी लिखे। उन्होंने नारी की महत्ता को, नारी के स्वरूप को, एक वास्तविक स्वरूप को, उसके त्यागमयी, प्रेममयी, ममतामयी छवि से लेते हुए, और उसकी जो शक्ति स्वरूपा जो नारी है, या उसमें जो शक्ति है, जो उसमें वो जिस प्रकार से वो अपने आप का उत्सर्ग करके और परिवार और समाज का पोषण करती है, उस स्वरूप को उन्होंने सामने लाने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने, और जो जिस पर बाकी लोगों की दृष्टि वस्तुतः नहीं गई थी, जिन नारी पुरुष चरित्र बहुत उच्च स्थान पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी जो अर्धांगिनियाँ थी उन पर उतनी रोशनी नहीं पड़ी थी, तो वो काम गुप्ता जी ने किया, जैसे कि ये यशोधरा के ऊपर प्रकाश डालना, या उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की बात रामायण के संदर्भ में कम ही होती है, लेकिन जितनी तपस्या सीता ने की उससे कम तपस्या कुछ उर्मिला ने भी नहीं की, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके अलावा भी बहुत सारे नारी चरित्रों के ऊपर उन्होंने काव्य लिखे, और उनके चरित्र को, उनके त्याग में, प्रेम में चरित्र को उजागर किया। फिर उनके काव्य में रूप वैविध्य बहुत देखने को आता है। उनके काव्य महाकाव्य भी हैं कुछ,
कुछ खंड काव्य भी हैं, गीति काव्य हैं, गीति नाटक हैं। तो इस तरह से उनके काव्य का विविध रूप दिखाई पड़ता है उनकी विभिन्न रचनाओं में। भाषा शैली उनकी जो है वो सपाट है, थोड़ी कह सकते हैं इतिवृत्तात्मक शैली जिसको कहते हैं, जैसा है वैसा लिख देना। मित्रों आप इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि मैथिली शरण गुप्त वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कविता के लिए नकार दी गई भाषा को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी में गद्य धड़ाधड़ लिखे जा रहे थे, गद्य का पूरा विकास हो रहा था, गद्य भाषा के रूप में वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, लेकिन पद्य भाषा के रूप में अभी भी उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई थी। और भारतेंदु जैसे धुरंधर रचनाकार भी ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि जो मिठास ब्रज में है वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं आती, इसलिए कविता करना मुश्किल होता है। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने ये ठाना कि नहीं, आधुनिक हिंदी को वो काव्य भाषा के रूप में स्थापित करेंगे। और इस ये वो पहले थे जो उन्होंने इतने व्यापक रूप से हिंदी का प्रयोग काव्य के लिए किया। और इसको करने में इस क्योंकि काफ़ी प्रयत्न इसमें लगा, छंद साधना, अलंकार साधना, बाकी सभी चीज़ें, तो उन भाषा शैली जो है, भाषा जो है उनकी, वो थोड़ी सी सपाट जरूर रह गई है, वो उसमें उतना लच्छेदारी है, उतनी सूक्ष्मता, व्यंग्यात्मकता उतनी नहीं आने पाई है जो कि सामान्यतया कविता की विशेषता समझी जाती है, या जिसको कहें कि हम कि बाद में जो छायावाद इतना सूक्ष्म हो गया और उसने बहुत माने वायवी उसमें बहुत झीने पर्दे में छुपे हुए सा रहस्यात्मकता जो उसमें आई, तो ये सारी चीज़ें जो व्यंग्यात्मकता छायावाद काव्य में दिखाई पड़ती है। और कहते भी हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद, तो ये सारी चीज़ें जो बाद में आई वो इसमें इसीलिए नहीं बने। मैथिली शरण गुप्त की भाषा यदि सपाट है तो उसका बहुत ही ठोस कारण है कि उन्होंने एक ऐसी भाषा को अपने काव्य की भाषा के रूप में चुना जो कि अब तक काव्य भाषा के रूप में स्वीकारी नहीं जा सकी थी। तो इस भाषा को लाना, भाषा में काव्य करना, ये अधिक महत्वपूर्ण था। और उसके बाद उसमें कितनी चीज़ें आती हैं वो बात की बात थी, तो वो बात के लोगों ने फिर किया ही। मैथिली शरण गुप्त की भाषा इतिवृत्तात्मक भाषा है। मुहावरों का प्रयोग उसमें दिखाई पड़ता है, चूँकि गद्य में मुहावरों का प्रयोग बहुतायत में हो ही रहा था, और उसी भाषा को जब उन्होंने लिया तो उनकी भाषा में भी मुहावरों का प्रयोग काफ़ी दिखाई पड़ता है। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने खासा किया, तो ये हम नहीं कह सकते बिल्कुल रसहीन या बिल्कुल भी कविता के गुणों से रहित थी उनकी कविता, बिल्कुल नहीं। छंद अलंकार सभी उसमें उपस्थित थे। अनुप्रास के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, विभिन्न अलंकारों के देख सकते हैं। तो अनुप्रास का है, नंदन माना सघन गहन कानन भी। अब इसमें न की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास दिखाई पड़ रहा है। ये एक उदाहरण है, उनकी समस्त कविता में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। यमक का देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिखाई पड़ रहा है, चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्र रूप से सौमित्र भी। ये पहला चित्र और दूसरा चित्र, पहला चित्र यानी पिक्चर, वो ये उस समय के साकेत से ये संभवता है पंक्ति। और जब भरत ननिहाल से लौटते हुए रुकते हैं और भवन में और देखते हैं कि दशरथ का चित्र वहाँ लगा हुआ है, जहाँ की सारे उनके दिवंगत पूर्वजों के चित्र लगे रहते थे, तो इसको देख करके उनको अभी तक पता नहीं है, दशरथ की मृत्यु के विषय में पता नहीं है, राम के वनगमन का पता नहीं है, और तब वो चित्र देख करके वो स्तंभित रह गए। इसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने चित्र रूप शब्द का प्रयोग किया द्वितीय पंक्ति में। तो पहला वाला चित्र तो चित्र है, जो वास्तविक चित्र है, और दूसरा चित्र यानी स्तंभित रह जाना, तो उस चित्र यमक का इसमें सुंदर प्रयोग दिखाई पड़ता है। रूपक का प्रयोग है, मानस मंदिर, मानस मंदिर मन रूपी मंदिर में, यहाँ पर रूपक का प्रयोग है, मानस मंदिर में सती
पति की प्रतिमा थाप, ये उर्मिला से है संभवतः, कि उर्मिला के माने लक्ष्मण चले जाते हैं राम के साथ वन को, उर्मिला को पीछे छोड़ जाते हैं और उर्मिला के लिए वो राजभवन ही वन समान हो जाता है निर्जन। इसमें मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप उसी को पूजते हुए वो रहती है। फिर उपमा देख सकते हैं, उर्मिला के नेत्र खंजन से फंसे, जैसे खंजन एक छोटा पक्षी है वो कहीं भी जाली वगैरह में फंस जाता है या जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार से उसके नेत्र एक जगह फंस गए थे, वो मार्ग ही देखते रहते हैं लक्ष्मण का कि वो कब लौट करके आएंगे। और मानवीकरण का उन्होंने बहुत उपयोग किया है, ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। ये अंतरिक्ष को एक पुरुष के रूप में उन्होंने कल्पित किया और जो कि दूसरों से ले रहा है और फिर उसके बाद दान देता है। अंतरिक्ष भी तो पृथ्वी से ही जल लेता है और उसके बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी को वापस देता है, तो वर्षा के रूप में वो दानी हो जाता है। तो इस तरह से विभिन्न अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। आइए अब हम जीवन की ही जय है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता है, उसका पाठ करें और उसका अर्थ समझें। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने उस समय जब क्रांति की का समय चल रहा था और प्राणोत्सर्ग कर रहे थे लोग अपना देश के लिए, तो उस समय ऐसे लोगों को जो प्राणों के भय से इस क्रांति में भाग नहीं ले पा रहे थे या जिनको लगता था कि क्या ये सब कुछ इसी तरह समाप्त हो जाएगा, उनको उद्बोधित करने के लिए कविता लिखी थी संभवतः। और इसमें वो बता रहे हैं कि मृत्यु वस्तुतः मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो तो जीवन ही है जो सतत है और चलता जाता है। मृषा मृत्यु का भय है, मृषा माने व्यर्थ, तो व्यर्थ है मृत्यु का भय करना ही व्यर्थ है, क्यों? जीवन की ही जय है, विजेता तो हमेशा जीवन ही होगा, जीवन ही जीतता है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है, पिता पुत्र में समा रहा है, यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन ये बताता है कि हम सब में आत्मा है और आत्मा शरीर में रहती है, शरीर नष्ट प्राय है, वो नष्ट होता है लेकिन आत्मा अक्षुण रहती है, आत्मा फिर निकल करके नया शरीर धारण करती है। गीता का ज्ञान है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है ना, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। तो जीव ही की ही जड़ जम रही है, जो ये आत्मा जो है जो अक्षय है, अक्षय यानी कि जो नष्ट नहीं हो सके, तो ऐसी नष्ट ना हो सकने वाली आत्मा हम सब में व्याप्त है और यही नित उन्नति को प्राप्त हो रही है, या कहना चाहिए कि यही बढ़ रही है, पिता पुत्र में समा रहा है, पिता अपना जीव या अपना सत्व वो अपने पुत्र को देके जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, पिता समाप्त हो जाता है लेकिन पुत्र के रूप में वो आगे चलता है। तो इस प्रकार से जीवन का सातत्य कहीं खत्म नहीं होता है, जीवन सतत चलता ही जाता है, आत्मा अक्षय रूप में सतत प्रवाहमान रहती ही है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो सिर्फ एक कपड़े बदल लेने जैसा है, शरीर रूपी कपड़ा बदल लेती है आत्मा, बस वही मृत्यु है, तो उसमें भय क्या? उसको उससे भय तो करना ही व्यर्थ है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूढ़ सा रह जाता है, एक बीज सौ उप जाता है, सृष्टा बड़ा सदय है, जीवन की ही जय है। जग नित नया जन्म पाता है, नए बच्चे पैदा होते हैं,
मरण इसमें क्या करेगा, मृत्यु कितना करेगी, मृत्यु एक साथ लाख दो लाख को भी मार दे, अगर दो चार भी रह जाएंगे तो वो भी अपने दुगने तिगने चौगने पचगुने होते चले जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या कम हो नहीं रही है, कितनी भी माने प्राकृतिक आपदाएं भी आई या मनुष्य के द्वारा भी कितनी भी आपदाएं पैदा की गई, गोलीबारी हो जाती है, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, लेकिन इतनी लोग मरते हैं लेकिन जनसंख्या कभी कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। तो एक बीज भी, एक व्यक्ति भी रह गया तो वो और 10 को 100 को उत्पन्न करने में सक्षम है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस प्रकार से जीवन का सातत्य चलता रहता है। सृष्टा बड़ा सदैव है, सृष्टा ये ईश्वर जो है वो दयावान है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया है, उसके सारे प्राणियों को बनाया है, वो दयावान है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ही बचे हुए समस्त इस संसार को बिल्कुल नष्ट कर डाले। तो जीवन की ही जय है, वस्तुतः जीवन ही जीत रहा है और आगे चल रहा है। मृत्यु से भय करना ही नहीं है। तो जहाँ भी आपको प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े, वहाँ पर भी लगाने से हिचकना नहीं है, प्राणों का मोह नहीं करना है, क्योंकि वो तो चले जाएंगे लेकिन उससे कहीं बढ़ करके नया जीवन वो सतत चलता रहेगा। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन को गाढ़ धरूं मैं, यदि न उचित उपयोग करूं मैं तो फिर महाप्रलय है। जीवन की ही जय है, वो उद्बोधित करते हैं, प्रेरित करते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी उन पर, जो जीवन का मोह करके बैठे रहते हैं, डर के बैठे रहते हैं, देश के काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, प्राणों का उत्सर्ग करने से घबरा रहे हैं, उनके लिए ये वाणी है कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कि जीवन पर 100 बार मरूं मैं। ये जो जीवन सतत चल रहा है उस पर तो 100 बार भी अगर मरने को कहा जाए तो मरा जा सकता है। इस धन को गाड़ करके रखने की आवश्यकता क्या है, जीवन को बचा लेने की का मोह क्या है, प्राणों का मोह क्या है, कुछ भी नहीं। ये अगर जो जीवन हमें मिला है उसकी सार्थकता इसी में है कि उसका सबसे उचित उपयोग किया जाए। और आज जो समय है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का जो समय था वो देश के लिए मर मिटने का समय था। तो वैसे समय में देश के लिए मर मिटने से अगर पीछे कोई हटता है तो उसका जीवन, उसका शरीर सब व्यर्थ है। अगर वो पीछे हटता है अपने उचित कर्तव्य से, इस जीवन के, इस शरीर के उचित उपयोग से अगर वो पीछे हटता है तो फिर महाप्रलय कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करके और पीछे हटेगा और पूरा नहीं करेगा अपने कर्तव्यों को तो अव्यवस्था फैल जाएगी और तब महाप्रलय की आशंका या सब कुछ के विनष्ट हो जाने की आशंका बन सकती है, महाप्रलय यानी महाविनाश। तो इस तरह से ये महाप्रलय का कारण जो है वो हमारा अपना मोह है। मोह को हटा करके, जीवन के मोह को हटा करके वस्तुतः प्राणों के उत्सर्ग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारे माने जीवन नहीं रहेगा। जीवन तो चलता ही जाएगा, हमारे पुत्र पुत्रियों और हमारी आगे की पीढ़ियों में हमारा जीवन चलता जाएगा। तो इसलिए इस जीवन का मोह करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बचा के रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके उचित उपयोग करते हुए इसका उत्सर्ग कर दिया जाए तो भी उचित ही है, तो भी तो उसकी सार्थकता बनती है। मित्रों, ये अर्थ है, इसके साथ ही मैंने व्याख्या भी प्रस्तुत की है। ये कविता निश्चित रूप से जो राष्ट्र प्रेम की कविता कही जा सकती है, अपने देशवासियों को अपने देश के लिए उठ खड़े होने, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और उसे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाने के लिए उद्बोधित करने वाली कविता है। अपने देशवासियों को जगाने और अपने देशवासियों के अंदर उत्साह भरने वाली ये कविता है।
मित्रों आप पुनः पुनः इस कविता का पाठ करें, आपको पुनः पुनः इसके अर्थ स्वयं ही खुलते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद भी पढ़ने पर यदि आपको कोई आशंका होती है, कोई प्रश्न होता है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमें संपर्क करें bau.ba.hindi@gmail.com और अपना प्रश्न लिखें, साथ में अपना नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये सारी सूचनाएं देते हुए आप अपना प्रश्न लिख भेजें। हम आपको संपर्क करेंगे, ईमेल से उत्तर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर आपने दिया है अगर व्हाट्सअप नंबर है तो हम व्हाट्सअप से तत्काल आपका संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। तो आज का व्याख्यान हम यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार। स्वाध्याय परमं तपः।